ये सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की जो घोषणा की है उसमें मुख्यतया हमारी मांग ये है कि जो ज़मीन की सीमा इन्होंने तय की है वो ज़मीन की सीमा चाहे बंजर हो चाहे कैसे अनुपजाऊ ज़मीन हो विशेष करके पश्चिमी राजस्थान में वो और उपजाऊ सीमा चाहे पंजाब की हो उसको समान रूप से लागू करने से ये है कि बहुत सारे लोग बाग इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ज़मीन की सीमाएँ समाप्त की जाए और गुजरात के पैटर्न पे इसको लागू किया जाए ताकि गरीब जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनको इसका फायदा मिल सके। जय सिंह। हमारे राजपूत समाज जो यहाँ इकट्ठा हुआ है कलेक्टर महोदय को हमने जो ये ज्ञापन दिया है उसमें हमारी विशेषकर ये डिमांड है कि जो राजपूत समाज के पास में हमारे बुजुर्गों की जो ज़मीन आज तक हमारे नाम से आती आई है वो उसमें बंजर भूमि ज़्यादा है और जैसे उदयपुर एरिया है या जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर एरिया है जहाँ ज़मीन हमारे पास 200 बीघा है परंतु उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो उस तरह से उपयोगिता होनी चाहिए जिस तरह से गुजरात पैटर्न में किया है कि जिसकी भूमि उपजाऊ नहीं है उसका उसमें क्राइटेरिया में नहीं आना चाहिए और पूरे कंट्री में एक जैसा रूल नहीं होना चाहिए। हर स्टेट का अपनी अपनी होती है अपनी आवश्यकताएँ होती है। मेरा नाम सुमेर सिंह शेखावत है। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया उन्होंने उसको कहा कि मैं आज से भिजवा देता हूँ और पूरे राजस्थान में आज ये मनाया जा रहा है और ये ज्ञापन देके मुख्यमंत्री को भेजा गया है।